गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स स्टूडेंट्स क्लास एट मैथमेटिक्स आप पढ़ेंगे। स्टूडेंट्स पिछली वीडियो मैंने क्लास एट मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 6.2 में पाइथागोरियन ट्राइप्लेट्स बताया था। आज मैं आपको बताऊंगा स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं। अभी तक मैंने आपको बताया था स्क्वायर्स निकालने के लिए, अब हम स्क्वायर रूट्स पढ़ेंगे एंड उससे रिलेटेड क्वेश्चंस क्लास एट मैथ के एक्सरसाइज 6.3 में पढ़ेंगे। क्लास एट एक्सरसाइज 6.3 जिनमें आपका पहला क्वेश्चन ये बोलता है व्हाट वुड बी द पॉसिबल वंस डिजिट। क्या बोलता है? व्हाट वुड बी What would be possible? What would be possible once digit of once digits of once digits of the square root ऑफ इच ऑफ द फॉलोइंग नंबर कहता व्हाट वुड बी पॉसिबल वंस डिजिट ऑफ द स्क्वायर रूट ऑफ इच ऑफ द फॉलोइंग नंबर। नीचे दिए गए संख्याओं में कहता है कौन सा नंबर का स्क्वायर रूट पॉसिबल है, उसके वंस प्लेस के नंबर से हम लोग चेक करेंगे किसका स्क्वायर रूट पॉसिबल है कि नहीं है। तो चलिए आप देखेंगे, फर्स्ट नंबर में है 9801, इसमें वंस डिजिट का करना है, ओनली वंस डिजिट का। तो आप देखेंगे सॉल्व इसका, सॉल्व में लिखेंगे वन डिजिट ऑफ द स्क्वायर रूट वन डिजिट ऑफ द स्क्वायर रूट 9801 में बी। आप देखेंगे कि लास्ट में वन है और किस नंबर के स्क्वायर रूट में वन आता है आपको मालूम है कि आप वन का निकालेंगे तो वन आएगा वन के स्क्वायर में, और नाइन के स्क्वायर निकालते हैं तो भी आपको वन प्लेस पे वन मिलता है, 9981 जिसके वन प्लेस में आपको वन मिलता है। तो लिखेंगे मे बी वन आर 9, या तो 1 हो सकता है इसके 1 प्लेस पे स्क्वायर रूट के, या तो 9 हो सकता है। ऐसे सेकंड नंबर में क्या इसका दिया है, सेकंड नंबर दिया है 99856, इसमें भी आप लिख लेंगे सॉल्व सेकंड में वंस डिजिट कुछ निकालना है ऑफ द स्क्वायर रूट वंस डिजिट ऑफ द स्क्वायर रूट 99866 में बी। मैंने आपको शुरू में ही बताया था अभी नंबर के वंस प्लेस पे क्या है, 6 है, और हम किस नंबर का स्क्वायर अगर करते हैं तो 4 4 16 मतलब ये 6 हो सकता है, और 6 6 36 मतलब इसके वन प्लेस है, तो 4 और 6 टू ही नंबर ऐसे पॉसिबल है। तो लिखे 4 और 6 ऐसे ही आप थर्ड नंबर में क्या है वन है, वन नंबर इसमें भी आएगा मे बी 1 और 9। फोर नंबर में आपको क्या लिखना, लास्ट में 5 दिख रहा, और 5 का तो 5 ही होता है आपको मालूम है। इस तरह फर्स्ट नंबर क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हुआ। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड हम पढ़ाते हैं।
विदाउट डूइंग एनी कैलकुलेशन, बिना कोई कैलकुलेशन किए, विदाउट डूइंग एनी कैलकुलेशन, बिना कोई कैलकुलेशन किए, बिना कुछ किए ही, विदाउट डूइंग एनी कैलकुलेशन, फाइंड द नंबर विच आर श्योरली नॉट परफेक्ट स्क्वायर। आपको इस नंबर को बताना है कि बिना कोई कैलकुलेशन किए आपको बताना है कि यह परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं है। तो मैंने आपको ये बताया था कि कोई भी नंबर हो, आप देखते हैं जब हम उसका स्क्वायर निकालते हैं तो हमारे पास सिर्फ एक इतने ही नंबर प्राप्त होते हैं। क्या प्राप्त होता है? 1, 4, 6, 5, 9। वन प्लेस पे हमें इतने ही नंबर प्राप्त होते हैं। ना तो हम किसी भी नंबर का स्क्वायर निकालते हैं तो 2 मिलता है, ना तो हम किसी भी नंबर का स्क्वायर निकालते हैं तो 3 वन प्लेस पे मिलता है। कौन से प्लेस पे? वन प्लेस पे। ना तो आपको मिलेगा ना 2 मिलेगा, ना 3 मिलेगा, ना तो आपको 7 मिलेगा, ना तो आपको 8 मिलेगा। किसी भी नंबर का आप स्क्वायर निकाल के देख लीजिए, उसके वन प्लेस में 2, 3, 7, 8 कभी भी नहीं आएगा। आप चेक करके देख सकते हैं, किसी भी नंबर का आप स्क्वायर निकालेंगे तो उसके वंस प्लेस में ओनली वंस प्लेस पे, कौन से प्लेस पे? वंस प्लेस पे। अगर किसी भी नंबर का, कोई भी नंबर हो, यदि उसके वंस प्लेस में 1, 4, 6, 5, 9 होंगे तभी वो नंबर परफेक्ट स्क्वायर होगा। अगर 2, 3, 7, 8 ये नंबर अगर उस नंबर के वंस प्लेस पे आ रहे हैं मतलब वो नंबर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। आप समझ गए होंगे कि वंस प्लेस ही हमें बता देता है कि यह नंबर किसी भी नंबर का परफेक्ट स्क्वायर है कि परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। जैसे आपका पहला नंबर है, अब इसमें सेकंड देखते, क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या है? विदाउट डूइंग एनी कैलकुलेशन बोला है, विदाउट डूइंग एनी कैलकुलेशन, एनी कैलकुलेशन, विदाउट डूइंग एनी कैलकुलेशन, बिना कैलकुलेशन किए, फाइंड द नंबर विच आर श्योरली नॉट परफेक्ट स्क्वायर। फाइंड द नंबर विच आर श्योरली नॉट परफेक्ट स्क्वायर, नॉट परफेक्ट स्क्वायर। अब पहला नंबर आपका इसमें क्वेश्चन दिया है 153। अब इसके वंस प्लेस पे कौन सा नंबर है? 3। अभी मैंने बताया है किसी भी नंबर के वंस प्लेस में 2, 3, 5, 2, 3, 7, 8 हो तो वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होंगे। तो इसमें इंड देखेंगे 153 सॉल्व, ये किससे इंड हो रहा है? 3 से। सॉल्व फर्स्ट 153 इंड विथ इंड ऑफ 3, ओके, अर्थ 153 इंड ऑफ 3, 153 किससे इंड हो रहा है? 3 से इंड हो रहा है, ठीक है। एट द देखेंगे एट द 153 इंड ऑफ 3, सो इट इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। फिर आप सेकंड क्वेश्चन में आप देखेंगे किससे इंड हो रहा है, आप देखेंगे 257 से इंड हो रहा, 257 इंड ऑफ 7, सो इट इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। थर्ड नंबर में आपका दिया 408 इंड ऑफ 8, सो इट इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। और इसी का मैं फोर्थ नंबर सॉल्व बता रहा हूँ, इसमें लिखा 441। अब 441 जो है वो वन सिंड हो रहा, मैंने आपको शुरू में बताया कि कोई नंबर 1, 4,
6 9 1 4 6 9 5 ये नंबरों से इंड होता है, तो समझना चाहिए कि हमें वह किसी भी नंबर का परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है। तो ये 441 है, तो 441 के लिए सॉल्व लिखेंगे इंड विथ 1, क्या लिखेंगे 441 एंड ऑफ 1, सो इट इज अ परफेक्ट स्क्वायर। आइए हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या होता है, कंप्लीट होता है। फिर इसमें थर्ड नंबर में बोलता है फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 100 एंड 169 बाय द मेथड ऑफ रिपीटेड सब्ट्रैक्शन। इसमें बोलता है कि आप क्या करिए, रिपीटेड सब्ट्रैक्शन मेथड से क्या करिए कि 100 और 169 का स्क्वायर रूट निकालिए। तो थर्ड नंबर क्वेश्चन में हम रिपीटेड सब्ट्रैक्शन मेथड से करेंगे। इसमें जो भी हमारे ऑड नंबर होंगे, ऑड नंबर्स को हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। सब्ट्रैक्ट तब तक करेंगे जब तक कि ये पूरे टर्म जीरो ना हो। थर्ड नंबर क्वेश्चन है फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 100 एंड 169 बाय द मेथड ऑफ रिपीटेड सब्ट्रैक्शन। फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 100 एंड 169। आपको 100 और 169 का स्क्वायर रूट निकालना है रिपीटेड सब्ट्रैक्शन मेथड से। तो लिखेंगे यूजिंग रिपीटेड सब्ट्रैक्शन मेथड यूजिंग रिपीटेड सब्ट्रैक्शन मेथड स्क्वायर रूट ऑफ हंड्रेड, पहले हंड्रेड से निकालते हैं। तो हंड्रेड का निकालने के लिए आप क्या करेंगे, पहले हंड्रेड में वन को माइनस करेंगे तो क्या आया 99 में आप थ्री को माइनस कीजिए तो क्या मिलेगा 96। अब 96 में आप फाइव को माइनस कीजिए क्या मिलेगा 91। 91 में आप 7 को माइनस कीजिए क्या मिलेगा, अब 11 में 7 माइनस 4 मतलब 84। अब 84 में आप क्या माइनस करेंगे, 9 माइनस करेंगे तो क्या मिलेगा 84 में, तो 75 मिला। 1 2 3 4 5 फिर आप क्या करेंगे, 75 में क्या माइनस करेंगे, 11 माइनस करिए तो आपको क्या मिलेगा 75 में 11, 5 1 माइनस हुआ तो 4 हुआ 64। 64 में आप क्या माइनस करेंगे, आप देख रहे हैं 64 में आप माइनस करेंगे 64 में आप 13 माइनस करेंगे तो क्या मिलेगा आपको 51। 51 में आप 15 माइनस करेंगे तो क्या मिलेगा 11 5 माइनस 6 4 1 माइनस 36। 36 में आप 17 माइनस करेंगे तो क्या मिलेगा आपको 19।
19 में 19 माइनस करेंगे तो आपको क्या मिला, जीरो। तो देखेंगे टोटल कितने टाइम में आप रिपीटेड सब्ट्रैक्शन मेथड में आप टोटल कितने टाइम में आप इसको सॉल्व करोगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कितने टाइम में आया, 10 टाइम में। तो क्या लिखेंगे, स्क्वायर रूट ऑफ 100 इक्वल टू 10, रूट ऑफ 100 इक्वल टू क्या मिला, 10। ऐसे ही करना है, ये तो मैंने अलग अलग बताया है, लेकिन आप वैसे भी कर सकते हैं। ऐसे जैसे 100 माइनस 199 माइनस 396 माइनस 591 माइनस 7 करके 84, ऐसे भी आप कर सकते हैं। 84 माइनस 9 75 माइनस 11 64 64 माइनस, फिर इसके बाद कर सकते हैं 13 51 51 आप कर सकते हैं 15, कितना आएगा 51 15 36 36 माइनस 17 90 90 माइनस 90 जीरो। मैंने आपको समझाने के अलग अलग करके बताया है कितने टर्म में आता है, 10 टर्म में आता है, इसलिए इसके स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। आप मुझे आता है, आई होप यू आप 159 का ऐसे ही आप कर लेंगे, क्या कर लेंगे, रिपीटेड सब्ट्रैक्शन से स्क्वायर रूट निकाल देंगे। जैसे यहाँ पे 19 टाइम में आया तो वहाँ 13 टाइम में आएगा, ऐसे आप 169 का कर सकते हैं। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ क्वेश्चन नंबर 4। चलिए मैं बता ही देता हूँ 169 के। रिपीटेड सब्ट्रैक्शन मेथड 169 माइनस 12 कितना आया 168 में आप 3 का माइनस कर दीजिए, कितना आ जाएगा 165 में आप किसका माइनस कर देंगे, 5 का, तो कितना आ जाएगा 160। इसमें आप किसका करेंगे, 7 का, तो 153 में आप किसका करेंगे माइनस, 9 का, तो कितना मिला आपको, 13 में 9 माइनस हुआ तो 144 मिला। 144 में आप 11 का कर देंगे तो 133 मिला। अब 133 में आप 13 का कर देंगे तो 120 मिलेगा। 120 में आप किसका कर देंगे, 120 में आप 15 का कर देंगे तो 105 मिला आपको। 105 में आप किसका करेंगे, 17 का कर देंगे तो आपको मिलेगा 88 में आप 19 का करेंगे तो क्या मिलेगा, 69 में आप किसका कर देंगे, 21 का, कितना आपको मिला, 9 में 1 माइनस 8 6 में 2 माइनस 4 48 में 23 का कर देंगे तो आपको कितना मिलेगा, 25 का आप माइनस कर देंगे कितना मिला, 0। कितने टाइम में आया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 13 टाइम में लिखेंगे स्क्वायर रूट ऑफ
169 = 13। मैंने उस फर्स्ट क्वेश्चन में मैंने क्या है अलग अलग निकाला था, सेकंड क्वेश्चन में मैंने एक साथ निकाल लिया है। ओके, ये हमारा थर्ड नंबर कंप्लीट। अब हम फोर्थ नंबर क्वेश्चन देखते हैं। फोर्थ नंबर में फाइंड द स्क्वायर रूट द फॉलोइंग नंबर प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। फोर्थ नंबर में आपको जो स्क्वायर रूट निकालना है वो प्राइम फैक्टराइजेशन मतलब गुणनखंड विधि से निकालना है। किस मेथड से? प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड मतलब गुणनखंड विधि से निकालना है। चलिए एक बता देता हूं मैं फोर का फर्स्ट नंबर। फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग नंबर। फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग नंबर विच बाय द प्राइम फैक्टराइजेशन इसमें क्या दिया है पहले नंबर में 729। इससे निकालना है इसको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। सॉल्व फॉर फर्स्ट 729 है तो आप 729 राइट कर देंगे। अब इनका हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। क्या करेंगे? प्राइम फैक्टराइजेशन। तो प्राइम फैक्टराइजेशन जेसन ऑफ 729। हमें क्या निकालना है? स्क्वायर रूट। क्या निकालना है? स्क्वायर रूट, ये मालूम होना चाहिए। तो आप 729 ऐसे लिख दीजिए। आप देख रहे हैं 729 के वंस प्लेस पे कौन सा नंबर? 9। तो ये आपका 2 से तो डिविजुअल है नहीं, तो इसको आप चेक करिए 3 से है। 3 से चेक करने के लिए 7 + 2 + 9 सम कितना है? 7 × 9 = 18 मतलब 18 आ गया सम। जब 18 सम मिल गया तो ये हमारा जो नंबर है 729, ये 3, ये जो सम 18 है ये 3 से डिविजुअल है, मतलब 729 3 से डिविजुअल हो जाएगा। 3 × 2 = 6 1 मिला मुझे, 1 × 2 = 12 3 × 4 = 12 3 × 3 = 9 243 मिला। अब 243 को 3 से डिविजिबल हो जाएगा, 3 × 4 = 7 = 9 3 × 8 = 24 3 × 1 = 3 अब ये 8 + 1 = 9 मतलब 3 के मल्टीपल में 3 से ही कटेगा। 3 × 2 = 6 3 × 7 = 21 27 में 3 से कटे होगा, 3 × 9 = 27 9 में 3 से 3 × 3 = 9 और 3 में 3 से 3 × 1 = 3 अब इनका जब हम स्क्वायर रूट निकालेंगे 729 का, क्या निकालना है? स्क्वायर रूट। तो इसके निकालना है तो इसमें लिखेंगे स्क्वायर रूट को, रूट में लिखेंगे 729 = जो नंबर आया है आप उसे लिख दीजिए। क्या आया फैक्टराइजेशन करने पर? 3 × 3 × 3 × 3 × 3 मतलब टोटल 6 सूत्रिया है। अब इसमें नंबरों की हम पेयरिंग करेंगे, तो पेयरिंग कर स्क्वायर में हम 2 की पेयरिंग करते हैं। कितने नंबरों की? 2 की। तो फर्स्ट नंबर आप देखेंगे 3 का 1 पेयर हुआ दिस डे 3 1 3 कॉमन। सेकंड पेयर में देखेंगे 3 × 3 लिखा है तो सेकंड 3 आपका मिला। इसमें थर्ड पेयर में आपका 3। अब इन तीनों को मल्टीप्लाई 3 × 3 = 9 9 × 3 = 24 और हमें ये क्या मिल गया? आंसर। इस तरह हमने क्या किया? प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से फोर्थ का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन कंप्लीट करा है। आप इससे रिलेटेड और भी क्वेश्चन आपके बुक में है, सेकंड से 10 नंबर तक, आप उसे करने का
प्रयास कीजिएगा, नहीं तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में इनका सॉल्वेशन करा दूंगा। इसी के साथ आज की क्लास यहीं पे खत्म होती है। स्टूडेंट्स वीडियो को अंत तक जरूर देखिए और मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। इसी के साथ आप सभी का बहुत बहुत प्यार, धन्यवाद।